हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बायबैक ऑफ शेयर्स। तो अभी आपने CFA टेक्स्ट बुक में, MBA इन फाइनेंस में ये देखा होगा कि कंपनी जब अपना खुद का शेयर्स बायबैक करता है तो नॉर्मली ये एक अच्छा साइन माना जाता है कि कंपनी का शेयर्स मोस्ट लाइकली अंडर वैल्यूड है। तो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन में हम लोग तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने वाले हैं। सबसे फर्स्ट कि इंडिया में कौन से तरीके के बायबैक सबसे ज़्यादा फेमस है। सेकेंडली, जब कंपनी अपना शेयर्स खुद का बायबैक करता है क्या हमेशा वो एक सिग्नल देता है कि कंपनी का शेयर्स एक्चुअली अंडर वैल्यूड है। एंड दी थर्ड पार्ट इज, जब भी कंपनी का बायबैक होता है आपको क्या क्या चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो डू वॉच द वीडियो टिल दी वेरी एंड, एंड एज यूजुअल इफ यू गॉट एनी डाउट्स डू राइट इट इन दी कमेंट सेक्शन बिलो, आई बी मोर देन हैप्पी टू रिवर्ट। तो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज बायबैक। बायबैक सिंपल, इसमें क्या होता है कि कंपनी अपना खुद का शेयर्स खरीदता है। अभी हम लोग कभी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, कभी हम लोग शेयर खरीदते हैं जब हम लोग को लगता है कि ये आगे जाके अच्छा रिटर्न्स देने वाला है एंड आज के तारीख में सस्ता है। यानी कि जब मुझे अंडर वैल्यूड लगता है शेयर्स कोई भी कंपनी का, तो मैं खरीदता हूँ। सिमिलरली कंपनी क्या करती है, खुद का शेयर्स कब खरीदेंगे, जब उनको लग रहा है कि बहुत अंडर वैल्यूड है कि नहीं। लॉजिक बहुत सिंपल है। कंपनी के पर्सपेक्टिव से कैसा रहेगा कि कभी भी हम लोग अपना शेयर्स, अगर कंपनी अपना शेयर्स वापस ले रहा है, सपोज 100 शेयर्स आउटस्टैंडिंग है कंपनी का, कंपनी ने 10 शेयर्स या 20 शेयर्स वापस ले लिया, तो अभी कितने शेयर्स बचेंगे, सिर्फ 80। कंपनी का अर्निंग्स अगर आगे जाके बढ़ने वाला है तो जो अर्निंग्स है वो एक शेयर के पीछे बढ़ जाएगा, अर्निंग्स पर शेयर EPS। समझ में आ रहा है, ये सिंपल सा लॉजिक है। तो आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन ये रहने वाला है कि बायबैक हमेशा एक गुड इंडिकेटर है क्या, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या क्या करने वाले, टाइप्स ऑफ बायबैक क्या है वो देखने वाले इंडिया में, एंड क्या क्या फैक्टर्स हम लोग को चेक करना है जब हम लोग बायबैक करके सुनेंगे एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। अगेन, ये है ना, वन ऑफ दी फैक्टर्स है। ऐसे नहीं है कि अगर मैं अभी आपको कुछ रेड फ्लैग बता रहा हूँ और वो कंपनी में आपने देख लिया तो इन्वेस्ट नहीं करोगे, वैसा नहीं है। बट यहाँ पे हम लोग को होलिस्टिकली देखना है। बट आज का जो वीडियो रहने वाला है, डिस्कशन रहने वाला है, वो इस पे रहने वाला है कि बायबैक हो रहा है तो हम लोगों को देखना है कि कौन सा टाइप ऑफ बायबैक है एंड क्या क्या चीज़ें हम लोगों को देखने का है। तो इंडिया में सबसे फेमस बायबैक दो तरीके का होता है, टेंडर ऑफर होता है एंड ओपन मार्केट होता है। अभी टेंडर ऑफर में क्या होता है कि नंबर ऑफ शेयर सपोज 100 है, कंपनी बोलता है कि हम लोगों को 5% बायबैक करने का शेयर्स, यानी कि 100 का 5% कितना है, 5 शेयर्स बायबैक करना है। तो ऑब्वियस है कि अगर सब लोग, सपोज आप 10 शेयर्स होल्ड करते हो, पूरा का पूरा आपसे बायबैक नहीं होगा, तो उसके लिए हम लोग टेंडर भर सकते हैं, मतलब एज एन इन्वेस्टर तुम लोग टेंडर भर सकते हो। अभी बहुत सिंपल सा लॉजिक है, अगर 500 रुपये का शेयर है आप लोग कब वापस देने को नॉर्मली प्रेफर करोगे, अगर जल्दी से जल्दी देना है तो, टाइम लगा के नहीं, जल्दी से जल्दी देना है तो आप बोलोगे मेरे को प्रीमियम चाहिए, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रीमियम पे कंपनी आपसे शेयर खरीदता है। तो अगर 500 रुपीज़ है शेयर चल रहा है तो आपको 600 पे आपको टेंडर मिल सकता है। बट ये क्यों करता है कंपनी को एकदम जल्दी शेयर्स को बायबैक करना है, तो ऑब्वियसली आप प्रीमियम चार्ज करोगे। अभी सेकेंड वन इज ओपन मार्केट। अभी टेंडर ऑफर में क्या है, कंपनी को एकदम जल्दी बायबैक करना होता है। ओपन मार्केट में आइडियली 6 मंथ्स रहता है बायबैक करने का, एक प्रोग्राम रहता है। तो कंपनी क्या करता है, ओपन मार्केट से ही बायबैक करने का ट्राई करता है। तो जब ओपन मार्केट से ट्राई करता है तो जरूरी नहीं है कि प्रीमियम पे ही खरीदना है, जो मार्केट प्राइस चल रहा है उसमें भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, बट ऑब्वियसली धीरे 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 करके करना पड़ता है कंपनी को, दैट इज द रीजन 6 मंथ्स लगता है उसके लिए। तो क्या होता है, सपोज 500 का शेयर है, 500 रुपीज़ का एक शेयर है, तो वो लोग बोलेंगे बायबैक में ना मैक्सिमम वी आर विलिंग टू पे 600। तो कभी अगर स्टॉक मार्केट का फंडामेंटल, क्योंकि कैसा है, फंडामेंटल्स भी बहुत मैटर करता है, अगर फंडामेंटल्स कंपनी का बहुत सही हो गया तो 600 के भी ऊपर चला जाएगा, तो वो टाइम पे कंपनी को मैंडेटरी नहीं है कि बायबैक करना है करके। समझ में आ रहा है, तो एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर आपको लग रहा है कंपनी का फंडामेंटल्स एकदम स्ट्रांग है तो आपको जरूरी नहीं है कि उसमें पार्टिसिपेट करना है। एज एन इन्वेस्टर आप होल्ड करके रख सकते हो शेयर्स, क्योंकि 600 में क्यों देना है जब आपको लग रहा है कि वो 1000 में भी जा सकता है। एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपको कोई जरूरत नहीं है वो टेंडर भरना या ओपन मार्केट में भी देना। समझ में आया। बट अभी इसमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है टेंडर ऑफर और ओपन मार्केट में, विच इज टेंडर ऑफर में प्रमोटर भी पार्टिसिपेट कर सकता है बायबैक में, वेरस ओपन मार्केट में जो प्रमोटर है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। अभी दोनों में एज एन इन्वेस्टर आई वुड ऑलवेज वॉन्ट कि प्रमोटर पार्टिसिपेट नहीं करे, और करे तो भी छोटे इसमें करे, एकदम ज़्यादा पार्टिसिपेशन मेरे को पर्सनली सेंस नहीं बनता। तो टेंडर ऑफर में क्या होता है, प्रमोटर पार्टिसिपेट कर सकता है। तो अभी ऐसे समझो कि अगर मैं प्रमोटर हूँ एक कंपनी का,
कंपनी का शेयर चल रहा है 500, कंपनी बायबैक करने वाला है 600 में, तो अगर मैं एज अ प्रमोटर ही अपना शेयर्स वापस दे रहा हूँ, यानी कि मुझे लग रहा है 600 बहुत अच्छा भाव है, अंडरवैल्यूड नहीं लगता ना, तो बायबैक इस केस में अंडरवैल्यू का थोड़ी ना इंडिकेट कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? ओपन मार्केट में क्या है, अच्छा इंडिकेटर है कि भाई कंपनी को लग रहा है कि अंडरवैल्यूड है, बट टेंडर ऑफर में जरूरी नहीं है ना ये एक अच्छा इंडिकेटर है, क्योंकि प्रमोटर नहीं तो क्या करता, अगर एक्चुअल में अंडरवैल्यूड रहता तो प्रमोटर बेचता ही नहीं ना कंपनी को वापस शेयर, कंपनी वो क्या सोचेंगे, प्रमोटर क्या सोचेगा, प्रमोटर ये सोचेगा कि भाई मैं शेयर्स रखता हूँ वो कंपनी को बायबैक करने दो ताकि अभी मेरा परसेंटेज होल्डिंग बढ़ जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि सपोज 100 में से 50 स्टॉक प्रमोटर के पास है, बाकी टेंडर ऑफर कर रहे 20 का और प्रमोटर होल्ड कुछ भी नहीं दे रहा है, तो अभी कितना हो जाएगा, कंपनी ने 20 बायबैक कर लेगा तो अभी नंबर ऑफ शेयर्स 80 रहेगा लेकिन प्रमोटर का शेयर 50 रहेगा, तो परसेंटेज जो ओनरशिप है वो बढ़ जाएगा, 50% से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो आई वुड ऑलवेज वॉन्ट कि जब टेंडर ऑफर होता भी है तो प्रमोटर का पार्टिसिपेशन ज़्यादा नहीं रहे, नहीं तो कैसे हो जाएगा, अगर प्रमोटर पार्टिसिपेट ही कर रहा है, मतलब प्रमोटर को पैसा मिल रहा है ना कंपनी से, तो सॉर्ट ऑफ ये क्या हो जाएगा, डिविडेंड ही हो जाएगा, बस डिविडेंड के नाम पे नहीं हो रहा है बट बायबैक हो रहा है और प्रमोटर पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब सॉर्ट ऑफ उसको पैसा मिल रहा है ना शेयर्स देके, तो सॉर्ट ऑफ डिविडेंड जैसा ही हो गया, समझ में आया? तो यहाँ पे है ना मैंने 8 कंपनीज लिया है, 5 जो टेंडर ऑफर में और 3 जो ओपन मार्केट में, तो अगर आप इसमें भी ऑब्जर्व करोगे ओपन मार्केट में ऑन एन एवरेज प्रीमियम कितना है, 18-5% काफ़ी कम है, प्रीमियम कैसे लिया है मैंने, प्राइस ड्यूरिंग अनाउंसमेंट और मैक्सिमम प्राइस ऑफर पे जो किया है, तो अगर आप देखोगे 18-5% ही है, बट अगर आप टेंडर ऑफर देखोगे प्रीमियम्स देखो कितना हाई है, तो व्हाट वील बी डूइंग इज हम लोग एक कंपनी लेंगे एज एन एग्जाम्पल, क्विक हील टेक्नोलॉजीज ले लेंगे, एंड इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बताऊंगा कि जब टेंडर ऑफर रहता है क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, ठीक है? यहाँ पे मैंने ओपन ऑफर एंड टेंडर का पूरा डिटेल्स कहाँ से लिया है सब कुछ मैंने किया है, तो मैं ये डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक एंड ये एक्सेल ही दे दूंगा। तो अभी हम लोग देखते हैं क्विक हील टेक्नोलॉजीज, अगर आप फर्स्ट चीज़ देखोगे प्रीमियम कितने पे है, 50% ऑलमोस्ट 50%, 200 रुपये का भाव चल रहा था तभी उन्होंने ऑफर प्राइस कितना रखा था, 300, यानी कि कितना हो गया 50% प्रीमियम हो गया जो कि काफ़ी है। बायबैक का साइज कितना है वो भी देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बायबैक का साइज अगर छोटा रहेगा तो इतना फर्क नहीं पड़ने वाला है, बट 8.62% इज अ लॉट, राइट? तो ये हम लोग को देखना है कि भाई कंपनी प्रीमियम्स पे लेने वाला है इतना ज़्यादा, तो क्या कंपनी का व्यू पॉइंट है वो भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल्स पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ये सब गिवन है, बट यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ बायबैक को लेके देख रहे हैं। तो बायबैक का साइज कितना है, 8.62%, उसमें 70% प्रमोटर का पार्टिसिपेशन है, तो बेसिकली प्रमोटर अपना शेयर्स बेच रहा है प्रीमियम पे, तो सॉर्ट ऑफ डिविडेंड स्ट्रक्चर ही हो गया, तो ये जो चीज है ना मेरे लिए पर्सनली रेड फ्लैग है, बट अगेन इसके बेसिस पे बेचना नहीं है स्टॉक, बट ये हम लोग को हाँ ऐसे सोचेंगे अरे क्या 8.62% पूरे शेयर होल्डिंग का उसका 70% ये लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्रमोटर, तो दैट इज अ रेड फ्लैग। उसके साथ साथ एक और चीज जो देखना है इज दिस, बायबैक का साइज कितना है 8.62% एंड कंपनी में ईसॉप कितना है ऑलमोस्ट 7%। अभी बायबैक क्या है, कंपनी अपना शेयर्स कम कर रहा है, ईसॉप क्या है, कंपनी अपने की मैनेजेरियल एग्जीक्यूटिव को शेयर्स दे रहा है, तो नेट नेट अगर बायबैक कर रहा है 8.6 एंड ईसॉप दे रहा है 7% के आसपास, तो नेट नेट तो कंपनी का शेयर्स चेंज नहीं हुआ ना, ऑब्वियसली ये ईसॉप वेस्टिंग बाद में होगा, अभी क्या ग्रांट किया है बाद में जाके वेस्ट होगा, एक्सरसाइज होने को टाइम लगेगा 2-3 साल, बट हैविंग सेड दैट ये तो है ना 8.62% एंड ईसॉप है 7%। एंड इसमें भी एक और नेगेटिव पॉइंट ये है कि हमेशा समझना कि सपोज शेयर प्राइस है 500 रुपीज, टेंडर ऑफर में बायबैक कितने का हो रहा है 600 रुपये का, मतलब कंपनी कितना रुपया दे रहा है एक स्टॉक का 600 रुपया, यानी कि कंपनी का आउटफ्लो 600 रुपीज का हिसाब से हो रहा है, कंपनी शेयर्स खरीदा है 600 रुपये के हिसाब से जब शेयर प्राइस चल रहा है 500। ईसॉप में क्या होता है, एक्सरसाइज प्राइस नॉर्मली कम रहता है तो ही तो वेस्ट होता है बराबर, तो अगर 500 चल रहा है तो 400 अगर एक्सरसाइज प्राइस है, यानी कि कंपनी को मिल रहा है 400 रुपया, बट दे रहा कितना है कंपनी बायबैक के टाइम पे 600, यानी कि यहाँ पे भी कंपनी लॉस कर रहा है नेट नेट, समझ में आया? ऑब्वियसली ये हम लोग को चेक करना पड़ेगा क्विक हील का कि ऑन एन एवरेज एक्सरसाइज प्राइस क्या है, वो सब चेक करना पड़ेगा, बट नॉर्मली ईसॉप्स में वेस्टिंग कब होता है, जब एक्सरसाइज प्राइस कम रहेगा मेरा जो मार्केट प्राइस है तो ही तो लोग खरीदेंगे ना, लोगों को लगना चाहिए ना। अभी फॉर एग्जांपल आदित्य आप एग्जीक्यूटिव हो कंपनी का, की मैनेजेरियल पर्सनल हो,
शेयर प्राइस जब 500 चल रहा है, आपको सिर्फ 400 रुपया देना है कंपनी को और 500 रुपये का शेयर मिलेगा, तभी तो आप एक्सरसाइज करोगे ना। तो ये कंपनी के लिए लेकिन नेट नेट बहुत बुरा हो जाता है। तो ये भी एक रेड फ्लैग है कंपनी का कि बायबैक साइज और ईसॉप साइज ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो इसके बाद हम लोग को ये भी देखना चाहिए कि ईसॉप का एक्सरसाइज प्राइस क्या है। अगर वो 500 के नीचे है, सॉरी इसमें कितना है 200 के नीचे है, तो दैट इज अगेन अ रेड फ्लैग फॉर अस। एंड लास्ट ये भी देखने का कि कंपनी का डेट कितना है। अभी क्विक हील के इसमें डेट नहीं है, बट अगर डेट होता तो सोच के देखो, कंपनी ने लोन लिया हुआ है एंड वो लोन से कंपनी सॉर्ट ऑफ बायबैक कर रहा है, वैसे ही सोचना सोच सकते ना, तो कुछ सेंस बनता है क्या? नहीं ना। कंपनी ने अगर डेट लिया है, बायबैक क्यों कर रहे हो, पहले डेट रीपे करो ना। समझ में आया? तो कभी भी क्या क्या चीजें देखना है जब बायबैक हो रहा है, चार इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है। ऑब्वियसली ये अंडरस्टूड है कि कंपनी का फंडामेंटल्स देखना है, न्यूज देखना है, दैट इज ऑल गिवन, बट उसके साथ बायबैक है तो चार चीजें देखना है। सबसे पहले वो टेंडर ऑफर है, ओपन मार्केट है, टेंडर ऑफर में क्या प्रीमियम है, टेंडर ऑफर में प्रमोटर पार्टिसिपेशन कितना है, फिर बाद में ईसॉप का पूल कितना है एंड डेट कितना है। तो ये फाइव चीजें हम लोगों को देखना है। समझ में आया? डन।